अभी दो दिन पहले मैंने कहा हमारा जो नोट होता है, नोट के ऊपर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर होनी चाहिए? नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, देश तरक्की करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल तस्वीर छापने से होगा, मेहनत भी करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे, अच्छी नीतियां भी बनाएंगे, लेकिन कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत करो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक मेहनत सफल नहीं होती, है कि नहीं है? ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए। तो मैंने कहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल ऐसे क्यों कर रहा है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जरा जोर से हाथ उठा के बता दो कि तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं भाजपा और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि देश के 130 करोड़ लोग चाहते हैं। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने लिखा है कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। ये लोग मेरे को इतनी गालियां कहते हैं, केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी फ्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर कोई अगर बच्चा पैदा हो उसको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई आदमी नहीं बनेंगे, फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। अगर फ्री में बिजली मिल गई तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके से उससे पैसे मांगूंगा मैं अपने बच्चों से? आपके बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगा, उससे पैसे मांगूंगा, बेटा मेरे को पैसे दे, आपके लोगों का इलाज कराऊंगा, कोई बीमार हो गया उससे मैं पैसे मांगूंगा, इलाज के पैसे दे? या आप सारे जने मेरे ही तो परिवार का हिस्सा हो, हम सारे एक ही तो परिवार हैं? इन्होंने तो दुकानें खोल रखी हैं बीजेपी कांग्रेस वालों ने, स्कूल भी बेचते हैं, बच्चे भी बेचते हैं, अस्पताल भी बेचते हैं, दवाइयां भी बेच, हम इंसान को नहीं बेचते, हम शिक्षा नहीं बेचते, हम दवाइयां नहीं बेचते। और एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बाकी आधे चुनाव के बाद चले जाएंगे, कांग्रेस खत्म हो गई है। जितने भी कांग्रेस वोट मत बटने देना, जितने भी कांग्रेस के वोट है सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी में आने चाहिए।